हेलो स्टूडेंट्स, बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस, पार्ट 1। मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट चैप्टर जो हमारा चैप्टर्स है, उस चैप्टर का जो नेम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? सो रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन एनी रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट डिफाइन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इन अदर वर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन प्रीवियस क्लास, दैट मीन्स क्लास 10, यू वी स्टडी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, विच इज क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डिफिनीशन है वो टू टर्म पर डिफाइन किया गया, एक क्लासिकल डिफाइन किया गया और एक मॉडर्न डिफाइन किया। तो क्लासिकल कंसेप्ट में क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का टर्म, और मॉडर्न जो है क्या, इनका सकते इलेक्ट्रॉन मेथड्स जो है उस पर डिपेंड है। तो हम लोग क्या क्लासिकल का भी थोड़ा स्टडी कर लेंगे, और जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है यानी बेस ऑन द इलेक्ट्रॉन मेथड, उसको भी स्टडी करना है। ठीक है, नाउ क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो क्लासिकल कंसेप्ट में बताया गया कि ऑक्सीडेशन हम उसको कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले। रिडक्शन इसको कहा गया जो हाइड्रोजन से पार्ट रिएक्ट हो जाए। क्लासिकल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट था जब हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डेवलप किया जा रहा था। रिएक्शन के ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कोई सब्सटेंस है, जैसे आपका मान लीजिए मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ऐसा नहीं, तो इस हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम क्या है, और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, किसका ऑक्सीडेशन हो, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑल द कंबशन प्रोसेस आर द एग्जांपल ऑफ दिस, कंबशन ऑफ मीथेन टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, जो भी आपके हैं इस टाइप का, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट है, इसका मतलब होगा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। एडिशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, वह भी उसको भी कहा गया। एक तो ऑक्सीडेशन सिंपल क्रॉस ऑक्सीजन का है, तो एक अदर भी दिखाया गया कि एडिशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जिस माने मैग्नीशियम है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या, क्लोरीन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का है। अदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया जाए, जैसे आपका H2S यहाँ पे है और ऑक्सीजन से रिएक्ट है, तो क्या कह रहे हैं कंसेप्ट, हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, जैसे H2S है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस टाइप में आपका सबका आ गया। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट बना, ये आपका बना ऑक्सीडेशन। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसे मान लीजिए कौन से, ये H2O2 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव फार्म होता है, जिनकी बैलेंस 1, 2, 3, 4, 5 के टर्न होते हैं, जैसे आयरन का फार्म हो गया यहाँ से। तो ये सब कुछ कंसेप्ट है। रामदास वेबर डिस्कशंस, इट इज क्लियर दैट ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन आ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट है। अब जो है इसकी मतलब जो मॉडर्न आया है उसके रेस्पेक्ट इसकी वैल्यू कम हो गई, इस पर काफ़ी सर्च चुका, फिर बाद देखा गया कि बहुत ऐसे रिएक्शन मिल जहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहा है, उसमें अदर डेवलप बन गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड आ गया। रिडक्शन, रिडक्शन क्या है,
कि कार्डियो क्लासिकल कंसेप्ट रिडक्शन इन फाइंड एंड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एड हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है एथीन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू इथेन, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन क्या हो रहा है एड हो गया, कंपाउंड बना हुआ। एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे आपका HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड है, स्टेनलेस क्लोराइड है, इस तरह से आपका ये रिएक्शन आपको ऐड हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये कंपाउंड है यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव कर दीजिए, इस फॉर्म में आ गया अलग हो गया। तो इस कुछ जो क्लासिकल कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन है रिडक्शन का, इसमें जो कम से कम एक दो एग्जाम्पल्स आपको रखना। रेडॉक्स रिएक्शन जो कंसेप्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें दो रिएक्शन विच अकर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, इस कंसेप्ट को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन दैट इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड इट्स टू हाफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इन अदर वर्ड, रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, इफ वी कंसीडर करें कि यहाँ पर कंसीडर कर लिया गया, जैसे मान लीजिए मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड है आपका, स्टेनलेस क्लोराइड है, अब देखो रिएक्शन में क्या है, इस पार में फार बना हुआ है, अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन। तो HgCl2 का HG2Cl2 क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ मर्क्यूरी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पर कौन के फार का फार हो गया, तो एडिशन आप हो गया मर्करी का। ठीक है, इसमें क्या है SnCl2 एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन को ऐड कर दिया टू पार्ट है, यहाँ पर फोर पार्ट हो गया। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है आपका इस पार हो गया। तो कहने का कंसेप्ट रहा कि कैसा रिएक्शन था जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में, तो यहाँ पर क्या है एडिशन ऑफ मर्करी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या रिडक्शन प्रोसेस हो गया, इसके हो गया और इसका इस पर ऑक्सीडेशन हो गया, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग का, तो इस टाइप का जब रिएक्शन पाया गया थोड़ा सा डिफिकल्ट पाया गया, जो मॉडर्न कंसेप्ट हो गया मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत ईजी हो जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। सिंस इन द अबव रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, देन दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो आप प्रश्न में स्टडी किए होंगे वही चीज है। इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज द अदर और which itself undergoes reduction is called oxidizing agent, and the substance that reduces the other and itself undergo oxidation is called reducing agent। जिसका oxidation हो रहा है उसको reducing agent कहते हैं, जिसका reduction हो रहा है उसको oxidizing agent। ठीक है, थोड़ा सा different है definition, जैसे oxidizing या oxidizing agent मतलब क्या छोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं रॉन्ग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन रिड्यूसिंग दैट मीन रिडक्शन प्रोसेस, रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी भी एग्जांपल से कंसीडर होगा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जिसको आप कुछ मिलते ध्यान में इसको लर्न किए रहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग रिड्यूस्ड पार, जैसे नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन है, MnO4 है एसिडिक मीडियम, MnO4 नेगेटिव चार्ज बेसिक मीडियम है, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गिन आयरन कार्ड मिशन, ये सब आपके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस फार्म में रिड्यूस होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है रिड्यूस इस फार्म में, फिर आपको ये ध्यान रखना है उसको याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मेटल्स मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं, और क्या ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है, रिस्पेक्टिव कैटायंस H2S का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है
सल्फर या सोडियम या सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट करता है, HCl, HBr, HI, तो ये सब कुछ जो एग्जांपल्स दिया गया रिड्यूसिंग एजेंट है और ये सब किस फॉर्म में रिड्यूस होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है, यानी ये कार्य करना यानी रिड्यूसिंग एजेंट या फिर प्लस टू चार, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है हो जाएगा Fe+3, तो इसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट और ये जो बना क्या ऑक्सीडाइज होगा इसमें आयरन प्लस थ्री चार्ज, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको उसको याद रख लेना, ठीक है। एक एग्जांपल इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सेंटर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस H2S Cl2 HCl+S, ये आपको गिवन है, रिएक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है, ठीक। तो H2S + Cl2 HCl+S है ना, यानी यहाँ का कंसेप्ट बन रहा हमारा H2S + Cl2 gives 2HCl+As, आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन प्रोसेस है। तो H2S का सल्फर में क्या हाइड्रोजन सल्फर वहां से रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट मींस ऑक्सीडेशन, ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यू कह सकते हैं H2S हाइड्रोजन रिमूव हो गया और सल्फर अलग हो गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस का हो गया, ठीक, ऑक्सीडेशन। और श्योर है इसका इससे रिडक्शन होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है, इसमें इसमें लिखा दिया गया क्या रिडक्शन प्रोसेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से अदर जो एग्जांपल्स दिया गया ऐसे इसको आप तैयार करोगे, ठीक है, बस एक क्लासिकल कंसेप्ट था कि वही कंसेप्ट था जो आप क्लास 10th में स्टडी किए होंगे। अब जो है आपको मिल रहा है जो आपके इस लेवल पर या पहले भी कुछ बताया गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारा प्रोसेस है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन मेथड। सो ऑक्सीडेशन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन उसको हम कहेंगे जो सब्सटेंस अपने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके एक एग्जांपल है Na+1, तो यह सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रिमूव कर दे रहा है, वन इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस टू चार्ज, जिसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन है क्या रिमूव होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो एलिमेंट की जो चार्ज है पॉजिटिव या निगेटिव उसका जो नंबर है वो इसमें इंक्रीज होता है, जो कि यहाँ पर क्या जीरो कुछ जीरो में ही एक तरह से यहाँ पर क्या वन है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, मान लो कि टू क्लोराइड आयन, अब क्लोराइड का क्लोरीन में है, ठीक, तो यहाँ पर हम टू इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक सीएल है क्लोराइड है ये क्लोरीन है, तो माइनस बन जाता है जीरो, इसमें कोई चार्ज नहीं जीरो है, ठीक है, तो लास्ट आपका जीरो होगा, इसका मतलब क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो एटम या टू है यहाँ वन है यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना वन क्लोरीन पर वन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का, तो यहाँ क्या टू इलेक्ट्रॉन इस साइड टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक बैलेंस के पार मिल जाएगा। इस कंसेप्ट जो हम कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। रिडक्शन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस का, रिडक्शन प्रोसेस जो है जस्ट अपोजिट दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आर मोर वन टू आर मोर नोन एज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है उसका कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट रिडक्शन
आर द दोज प्रोसेस इन विच वन आर मोर इलेक्ट्रॉन गेन, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। इसे मान लो क्लोरीन है प्लस यहाँ पर कोई चार्ज ऐसे तो जीरो है, यहाँ पर क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन लार्ज है या जीरो, जीरो लार्ज है और माइनस वन कम है, इसके कमी हो रही है, ठीक है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है रिडक्शन प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये आपका हो गया सी आई टू, यहाँ पर क्या टू एटम है, टू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया टू हो गया, ठीक। अब चूंकि रिडक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड में आप ऐड करो, टू यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, तो ये हमारे किसको कहते हैं बैलेंस, यही इसको बैलेंस हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको दिया गया। सपोज दैट आयरन थर्ड, अब आयरन प्लस टू हो गया, तो बैलेंसिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर प्लस थ्री था यहाँ पर प्लस टू हो गया, इम्बैलेंस की डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन किया, वन इलेक्ट्रॉन गेन किया, एटम इक्वल है वन इलेक्ट्रॉन, और थ्री में से वन क्या कर गैप कर दिया टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कंसेप्ट आपका जो होता है आपका रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट इज रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पर हम किस किस को डिसाइड करेंगे, व्हिच इज रिडक्शन व्हिच इज ऑक्सीडेशन एंड देन इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो दैट सपोज दैट Sn प्लस टू प्लस Fe प्लस थ्री इक्वल Sn प्लस फोर प्लस Fe प्लस टू, एनी रिएक्शन एनी केमिकल रिएक्शंस इन दिस केस Sn टू चार या Sn फोर चार, इसकी बैलेंसिंग इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, यही कह सकते हैं कि इसका इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर बैलेंसिंग थ्री था ये आपका टू हो गया, इसको हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस हो गया। एंड दिस इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन की वे था वो हमारा क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट आ गया इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया कि जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो पूरे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। एग्जाम्पल से आपको शो कर दिया गया जो बताया गया, इसी को हाफ रिएक्शन भी कहा जाता है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं वो हाफ रिएक्शन में ही यूज किए जाते हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट दिया गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमको लिखना है Sn प्लस टू Sn प्लस फोर और टू इलेक्ट्रॉन, इसी कहेंगे हाफ हाफ रिएक्शन। तो हाफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब मान लो आपको एक कॉन्सेप्ट ये है वन इलेक्ट्रॉन या पी प्लस टू इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, हाफ रिडक्शन हो गया, इसी को कहते हैं हाफ रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन दिया गया हो और कहा जाएगा राइट आंसर हाफ रिएक्शन, यानी हाफ रिएक्शन दैट मींस कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का है और कौन सा रिडक्शन प्रोसेस, व्हिच इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड व्हिच इज रिडक्शन प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कांसेप्ट था ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब इसको सॉल्व करने की बात हम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कांसेप्ट क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज रिडक्शन रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर प्लस थ्री या फिर प्लस टू हो रहा है तो ये आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका इसमें ऑक्सीडेशन है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ऐसे में रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ क्वेश्चंस ऑन दिस बेस जस्टिफाई द रिएक्शन समथिंग और रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है और ये आपको बताना कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इक्वेशन है, तो इक्वेशन के कारण हमको हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसके हिसाब से हम कह देंगे उसको क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड, सो इट कैन सेपरेटेड रिप्रेजेंटेड एज सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। दस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दैट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज कैन बी, इसको इस फॉर्म में दिया टू एन ए सॉलिड के फॉर्म का है, यह हो गया टू एन ए प्लस एंड टू इलेक्ट्रॉन, वैलेंस के लिए टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, अब हाइड्रोजन का टर्म है प्लस टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया और ये आपका टू हाइड्राइड के फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्राइड पी कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ, उस तरह से इसको हम लिख देते हैं। राइट द हाफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का हाफ रिएक्शन करना है, तो हाफ इसका एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम थर्ड हो जाएगा हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन हो जाएगा एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम प्लस थ्री और थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक, ये आपका हाफ रिएक्शन हो गया। अब सिल्वर Ag प्लस वन, Ag आपका दिया हुआ तो बनाने के लिए आपका थ्री है, थ्री एटम हो गया और थ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे, रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन इस टाइप में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका होता है, ये आपका मिल गया। फिर पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये आपका बना हुआ पोटेशियम, पोटेशियम ऐड हो जाएगा और Cl क्लोरीन, ठीक है, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं हाफ रिएक्शन, बहुत सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ ओनली ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक बेस, ठीक है, थैंक्स।